गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। क्लास 12 में आज आपका जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लैक ओपेरान की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ लैक ओपेरान। देखिए, पिछला वीडियो जो था हमने उसमें ये जान लिया था कि लैक ओपेरान क्या होता है। आज का जो वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि लैक ओपेरान कैसे काम करता है, ठीक। और आपका जो कन्फ्यूजन है कि ट्रांसलेशन क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हमने आपको दोनों को टॉपिक को अलग अलग बताया था। पहले आपको हमने जो है ट्रांसक्रिप्शन बता दिया था और फिर उसके बाद हमने ट्रांसलेशन बताया था, तो दो अलग अलग वीडियो बने हैं। लेकिन ये दोनों बने वीडियो अलग अलग हैं, लेकिन इनका काम एक ही साथ होता है, क्योंकि ये पूरी एक प्रोटीन संश्लेषण की एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो पहले डीएनए है, तो डीएनए से आरएनए बनाएंगे, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। तो ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं कि डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, तो ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं ये है होती अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन काम मिलकर एक साथ करती हैं। प्रोसेस अलग अलग है, काम एक साथ करती हैं, ठीक। तो हम इसमें हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और आप हो सके तो जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं लैक ओपेरान की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ लैक ओपेरान। हमको ये याद करना नहीं है, देखिए ये हमको लिखा हुआ है, लेकिन हम अगर इस चित्र को समझ लेंगे तो हमको बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस चित्र को नहीं समझेंगे तो आप सही तरीके से लिख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि ये पूरी प्रोसेस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक। और ये पूरी एक क्रिया है, पूरी एक मैकेनिज्म है जो एक सिस्टम के तरीके से चलेगी। अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो आप इसको अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप कोई ना कोई स्टेप गायब कर देंगे। जब कोई स्टेप गायब हो जाएगा तो आपकी मैकेनिज्म गलत हो जाएगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लैक ओपेरान में देख चुके हैं कि लैक ओपेरान में क्या होता है, हमारा रेगुलेटर खंड होता है, प्रोमोटर खंड होता है और ऑपरेटर खंड होता है, और तीन हमारे संरचनात्मक जीन होते हैं। तो इसको रेगुलेटर को क्या कहते हैं, लैक आर कहते हैं, प्रोमोटर को कहते हैं लैक पी कहते हैं, और ऑपरेटर को क्या कहते हैं, लैक ओ कहते हैं। जो संरचनात्मक जीन हमारे होते हैं कौन सा होता है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए होता है। तो ये हमारे तीन कंट्रोलर है और हमारे जो तीन है वो संरचनात्मक जीन है। अब देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, चित्र में यह दिखाई दे रहा है कि एक जो लैक पी खंड है, ये देखिए यहाँ पर ये इतना जो खंड है लैक आर है, ये खंड लैक पी है, ये खंड लैक ओ है, और ये लैक जेड है, लैक वाई और लैक ए, इस प्रकार से ये खंड है, ठीक। प्रत्येक खंड का एक जो है इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर एक रोल है, ठीक। और ये हमारा क्या है, ये हमारा डीएनए है। क्या है हमारा, ये डीएनए है। डीएनए पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जीन लगे होते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए पर कुछ गैर जीनी और कुछ जीनी खंड होते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कि कुछ जीनी खंड है, कुछ गैर जीनी खंड है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, डीएनए है। डीएनए पर कुछ खंड लगे हैं, जैसे लैक आर है, लैक पी है, लैक ओ है, लैक जेड है, लैक वाई है, लैक ए है। इन तीनों को खंडों को क्या कह दिया गया, संरचनात्मक जीन कह दिया गया। ये हमारे कंट्रोलर हैं, ठीक, कंट्रोल जो करते हैं। अब आगे देखते हैं, तो जैसा कि हमको चित्र में दिखाई दे रहा है कि लैक पी खंड है, तो लैक पी खंड से कुछ लगा हुआ है, तो लैक पी खंड से क्या लगा हुआ है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक। अब लैक ओ खंड हमको दिखाई दे रहा है, तो लैक ओ खंड से हमने एक संरचना टाइप की लगी हुई दिखाई दे रही है, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं लैक निरोधक प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको, लैक निरोधक प्रोटीन, ठीक। ये कौन सी हमारी है, देखिए यहां पर ये लैक निरोधक प्रोटीन है और यहां पर ये लैक निरोधक प्रोटीन है, दो जगह आपको दिखाई दे रही बनी हुई, ठीक। तो यहां पर ये जो लैक निरोधक प्रोटीन जो आपको दिखाई दे रही है कि ये यहां से बनी है, मतलब लैक आर खंड ने, किसने, लैक आर खंड ने इस को लैक निरोधक प्रोटीन को बनाया है, और बनने के बाद ये हमारी लैक ओ खंड से लग गई है। ये लैक निरोधक प्रोटीन हमारे किस खंड से जुड़ी हुई है, चित्र में दिखाई दे रहा है लैक ओ खंड से जुड़ी हुई है, ठीक। अब ये लैक निरोधक खंड ओ से जुड़ी तो है, लेकिन इसका काम क्या है, तो आपने बैरियर देखा होगा। बैरियर का काम क्या होता है कि मार्ग को अवरुद्ध कर देना, जो मार्ग है, जो हमारा रोड चल रहा है उसको बंद कर देना। तो इस प्रकार से इसका भी लैक निरोधक प्रोटीन,
लयक निरोधक, निरोधक मतलब क्या होता है, बंद कर देना, ठीक। तो लयक निरोधक प्रोटीन जो होता है वो बंद कर देता है रास्ते को, किसके रास्ते को, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के रास्ते को। देखिए ये यहां पर बैरियर लगा हुआ है, तो जब तक ये लयक निरोधक प्रोटीन यहां पर लगी हुई है तब तक बेचारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लयक जेड लयक वाई लयक अर्थात संरचनात्मक जीन तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बीच में तो लैक ओ पर जो हमारी लैक निरोधक प्रोटीन लगी हुई है, ये काम क्या करती है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को रोकने का काम करती है। बनेगी कैसे वो हम आपको बता ही देंगे, ठीक। तो ये लगी रहती है ताकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम संरचनात्मक जीन तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर संरचनात्मक जीन तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंच जाएगा तो फिर वो आरएनए बना डालेगा, और जब आरएनए बन जाएगा तो फिर प्रोटीन बन जाएगी। इसीलिए ये इसको रोके रखता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, ताकि वहां तक ना पहुंचे। और अगला प्रश्न ये है कि कब तक रोके रहेगा, कब तक रोके रहेगा, जब तक जीवाणु को ग्लूकोज मिलता रहेगा, जब तक ग्लूकोज मिलता रहेगा तब तक लैको ओ प्रोटीन, लैको ओ खंड पर लैक निरोधक प्रोटीन लगी रहेगी, ठीक। तो जैसे लेकिन अब ये हटेगी कब, जब हमें लैक्टोज मिल जाएगा, जब लैक्टोज मिलेगा तब यह हटेगा। तो अब हम पहले देख लेते हैं, तो यहां पर हमने चित्र में देख लिया कि ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगा हुआ है, लैक ओ खंड से हमारी लैक निरोधक प्रोटीन लगी हुई है, आगे हमारे संरचनात्मक जीन है। अब देखिए अब आगे के चित्र में देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो जो हमारा आर लैक आर खंड है, लैक आर खंड क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन रहा है, हमारा एमआरएनए बन रहा है, क्या बन रहा है, एमआरएनए। तो देखिए डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, डीएनए से क्या, आरएनए, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। और फिर जो आरएनए था तो आरएनए से क्या बना, लैक निरोधक प्रोटीन, मतलब आरएनए से क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। आरएनए से कौन चीज बन रही है, प्रोटीन बन रही है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, तो ट्रांसलेशन प्रक्रिया के द्वारा। तो देखिए ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ये हमारा ट्रांसलेशन, काम दोनों का क्या है, प्रोटीन को बनाना, काहे का काम है, प्रोटीन को बनाना, ठीक। तो बनेगी कैसे, पहले डीएनए से तो भैया आरएनए बनाना पड़ेगा, तो आरएनए बनाएंगे कैसे, तो ट्रांसक्रिप्शन से बना लिया हमने आरएनए, ठीक। जब आरएनए हमारा बन गया तो हमने क्या किया, दूसरी प्रोसेस कर दी, कौन सी, ट्रांसलेशन वाली। जब हमने ट्रांसलेशन कर दिया तो हमारा क्या बन गया, ट्रांसलेशन से हमारा क्या बन गया, लयक निरोधक प्रोटीन बन गई। तो देखिए अब आप यहां पर समझ लीजिए, देखिए पूरी एक प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस क्या है, प्रोटीन बनाना, प्रोसेस क्या है, प्रोटीन बनाना। बनेगी कैसे, देखिए हमारे पास डीएनए था, आरएनए तो था ही नहीं, तो जब अब प्रोटीन बनेगी किससे, आरएनए से बनेगी। तो प्रोटीन बनाने से पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए बनाना पड़ेगा। तो आरएनए बनाएंगे कैसे, तो डीएनए से आरएनए बना लेंगे हम, डीएनए से आरएनए बनाएंगे, और किस प्रक्रिया के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। अब हमारे पास आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, लिप्यंतरण कहते हैं, ठीक। अब हमारे पास आरएनए तो कंप्लीट हो गया, अब हमें प्रोटीन करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, अर्थात अनुवादन या भाषांतरण करना पड़ेगा। तो देखिए ट्रांसलेशन हमने जैसे ही एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो गया, तुरंत क्या बन गई, हमारी एक प्रोटीन बन गई। और कौन सी प्रोटीन बन गई, यहां पर की बात कर रहे हैं, यहां पर कौन सी प्रोटीन बन गई, तो लयक निरोधक प्रोटीन बन गई। अब लयक निरोधक प्रोटीन बन गई तो ये लयक निरोधक प्रोटीन कहाँ लग जाएगी, हमारे लयक ओ खंड से लग जाएगी, कहां से, लैक ओ खंड से लग जाएगी। क्यों लगेगी, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो संरचनात्मक जीन तक ना पहुंच पाए, ठीक। तो ये हमारी लैक निरोधक प्रोटीन बन गई, और बनने के बाद लैक ओ खंड, ध्यान रखना आपको लैक निरोधक प्रोटीन कहाँ लगानी है, लैक ओ खंड पे लगा देनी है, या ना करना कि आधा इस पे लैक पी पे कर देना, आधा लैक ओ पे कर देना, आपकी संरचना गलत हो जाएगी, ठीक। तो हमको केवल लैक ओ खंड से जोड़ देना है, ठीक, ताकि हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ ना पाए, जो प्रोटीन संश्लेषण जो है वो हो ना पाए, ठीक। अब क्या हुआ, अब यहां पर हमने देख लिया कि हमारी लैक निरोधक प्रोटीन मिल गई, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। लेकिन ये लगी रही, लेकिन हमें क्या मिल गया, वातावरण से हमें क्या मिल गया, लैक्टोज का अणु मिल गया, ग्लूकोज खत्म हो गया, क्या मिल गया, लैक्टोज का अणु मिल गया। और जैसे ही लैक्टोज का अणु लैक निरोधक प्रोटीन से लगा,
लयक निरोधक प्रोटीन से जैसे ही लैक्टोज का अणु लगा, तुरंत क्या हो गया, लयक निरोधक प्रोटीन का निष्क्रियकरण होकर पृथक हो जाना। ये तुरंत लयक ओ खंड से हट जाएगी, लयक ओ खंड से हट जाएगी और दूर हो जाएगी। अब क्या हुआ देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर लयक ओ से जुड़ी थी, अब यहाँ से तो हट गई, अब हमारा पूरा रास्ता खुल गया, पूरा रास्ता साफ, बैरियर खत्म। तो अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का देखिए एरो क्या दिखा रहा है, एरो दिखा रहा है कि आरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, कौन ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो लैक पी खंड से जुड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, लैक ओ खंड से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, संरचनात्मक जीनों पर पहुंच जाएगा, मतलब लैक जेड, लैक वाई, लैक ए खंडों पर पहुंच जाएगा। कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्यों पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पर से प्रोटीन हमारी हट गई है जो उसको रोके रखे थी। अब क्या होगा, अब देखिए जब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारा इस खंड पर पहुंच गया, तो अब हमारा ये खंड देखिए, अभी यहां पर ये खंड हमारा एक्टिव था, अब हमारा ये खंड यहां पर एक्टिव हो जाएगा, अर्थात अब हमारे संरचनात्मक जीन एक्टिव हो जाएंगे। ठीक, तो जैसे ही लैक जेड, लैक वाई, लैक ए पर कौन पहुंचेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंचेगा। फिर से वही काम, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंचा तो डीएनए सेट क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, क्योंकि उसको तो बहुत सी प्रोटीन बनाना है ना भाई। देखिए एक प्रोटीन बनाता तो मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए, अगर बहुत सी प्रोटीन बनाएगा तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए। ठीक, तो यहां पर ये संरचनात्मक जीन क्या करेंगे, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, मतलब वही काम, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन से हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बन जाएगा। और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए जब बन गया तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, एमआरएनए क्या करेगा, अब वो तो ट्रांसलेशन करेगा। तो एमआरएनए जो होगा ट्रांसलेशन द्वारा तीन प्रकार की प्रोटीन बनाएगा, कौन, कितनी प्रकार की, तीन प्रकार की, कौन कौन सी, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज, तीन प्रकार की प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन है क्या, तो ये प्रोटीन एक प्रकार की एंजाइम है। ठीक, और ये एंजाइम काम काहे के लिए करेंगे, तो जो जीवाणु है उस जीवाणु को क्या करेंगे, जब लैक्टोज का अणु आ गया तो लैक्टोज के उपापचय की क्षमता प्रदान करेंगे। देखिए अगर ये एंजाइम होंगे नहीं तो वो लैक्टोज का उपापचय कर नहीं पाएगा, अर्थात लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म चलेगी नहीं और जीवाणु को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ऊर्जा किससे मिलेगी, इन तीन प्रकारों के एंजाइम, जो एंजाइम है वो उसका पाचन करेंगे जाकर और उसको जीवाणु को ऊर्जा मिल जाएगी। तो उसके लिए तीन प्रकार के एंजाइम चाहिए थे, तो उसने बना डाला, कौन कौन से एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज। बस आपकी प्रोसेस यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए जब हमें चित्र समझ में आ गया तो हम फटाफट एक स्टेप उठा लेंगे और फटाफट लिखते जाएंगे, देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लैक ऑपेरॉन के क्रियाविद मैकेनिज्म ऑफ लैक ऑपेरॉन, तो देखिए लैक आर जीन के नियंत्रण में, देखिए ध्यान से देखता जाइए, यहां से देखते जाइए, देखिए यहां पर जो खंड लिखा हुआ है बस वही लिखा हुआ है यहां पर, लैक आर के जीन, लैक आर जीन के नियंत्रण में 36 अमीनो अम्ल इकाइयों की बनी लैक निरोधक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बिल्कुल याद नहीं करना है, चित्र में दिखाई दे रहा है, जो चित्र में दिखाई दे रहा है बस वही लिखते जाना है। देखिए यहां पर कौन, लैक आर खंड है, कौन सा खंड, लैक आर खंड है, लैक आर जीन है, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनाया, एमआरएनए बना लिया। ठीक, तो वही है, एमआरएनए बना लिया, और एमआरएनए जो आपका एमआरएनए बना वो एमआरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन करने के बाद कितना, 36 अमीनो अम्लों की, कितना, 36 अमीनो अम्लों की, 36 अमीनो अम्लों की इकाइयों की बनी, 36 अमीनो अम्ल जब मिलेंगे तो 36 अमीनो अम्लों की इकाइयों की बनी क्या, लयक निरोधक प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। हमारा लिख गया यहां तक, देखिए यही लिखा हुआ है, लयक आर जीन के नियंत्रण में 36 अमीनो अम्लों की, अमीनो अम्ल इकाइयों की बनी लयक निरोधक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जब तक जीवाणु को ग्लूकोज उपलब्ध रहती है तब तक लयक निरोधक प्रोटीन जो बनी है, जो ये प्रोटीन बनी है, लयक निरोधक प्रोटीन लैक ओ खंड से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैक ओ खंड से जुड़ी रहती है। अब देखिए हमने यहां पर क्या बना डाला, लैक निरोधक प्रोटीन बन गई।
अब ये लैग नोदक प्रोटीन कहां लगेगी, लैक ओ खंड से लग गई। देखा एरो दिखा रहा है, एरो दिखा रहा है कि लैक निरोधक प्रोटीन कहां जुड़ गई, लैक ओ खंड से जुड़ गई। अगला प्रश्न ये है कि कब तक जुड़ी रहेगी, जब तक इसको वातावरण से ग्लूकोज मिलता रहेगा, जब तक ग्लूकोज देते रहेंगे ये यहीं पर लगा रहेगा। तो वही लिखा हुआ है कि जब तक जीवाणु को ग्लूकोज उपलब्ध रहती है तब तक लैक निरोधक प्रोटीन लैक ओ खंड से जुड़ी रहती है। अतः यह प्रोटीन लैक पी क्षेत्र से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को संरचनात्मक जीन तक पहुंचने से रोकती है। जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि यह प्रोटीन बनी और कहां जुड़ गई, लैक ओ खंड से। अब यह करेगी क्या, प्रोटीन का काम क्या है, लैक द प्रोटीन का काम क्या है कि लैक पी क्षेत्र से जुड़े, किस क्षेत्र से, लैक पी क्षेत्र से जुड़े कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या करेगी, जाने से रोकेगी। कहां तक, कहां से जाने तक रोकेगी, संरचनात्मक जीन तक जाने से रोकेगी। कौन, लैक निरोधक प्रोटीन। हमने इसका काम बता दिया कि लैक ओ खंड से लग गई और इसका काम क्या है कि ये लैक पी क्षेत्र से जुड़े आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को संरचनात्मक जीन तक पहुंचने से रोकेगी। ठीक वही लिखा हुआ है, रोक देती है जिससे लैक ओपेरान निष्क्रिय बना रहता है, जिससे हमारा जो लैक ओपेरान खंड है, जो लैक ओपेरान खंड है ये हमारा क्या, निष्क्रिय बना रहता है। भाई कुछ काम तो करेगा नहीं है, आगे कोई काम कर रहा है बताओ, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, बाकी यहाँ पर काम होगा। ठीक आगे देखते हैं, जिससे हमारा लैक ओपेरान क्या होता है, निष्क्रिय बना रहता है। आगे, जब जीवाणु को वातावरण से लैक्टोज प्राप्त होती है, अब देखिए अब अगला स्टेप, अब वातावरण से क्या मिल गई, लैक्टोज मिल गई। देखिए ये लैक्टोज इसको मिल गई और लैक्टोज मिलने के बाद किससे जुड़ गई, किससे, लैक निरोधक प्रोटीन से जुड़ गई। लैक्टोज जो है हमारा किससे जुड़ गया, लैक निरोधक प्रोटीन से जुड़ गया। और जैसे ही लैक्टोज का एक अणु लैक निरोधक प्रोटीन से जुड़ेगा वैसे क्या हो जाएगा, लैक निरोधक प्रोटीन का निष्क्रियकरण होकर पृथक हो जाना, मतलब लैक निरोधक प्रोटीन निष्क्रियकरण होकर पृथक हो जाएगी। यहां तक हमारा लिख गया, देखिए लैक ओपेरान निष्क्रिय बना रहता है। जब जीवाणु को वातावरण से लैक्टोज प्राप्त होती है तो लैक्टोज के अणु लैक निरोधक प्रोटीन के अणुओं से जुड़कर इसे निष्क्रिय कर देते हैं। देखिए वहां पर निष्क्रिय हो गया। ठीक, अब अतः यह प्रोटीन लैक ओ क्षेत्र से हट जाती है। क्या हो गया, लैक ओ क्षेत्र से हट गई। देखिए लैक ओ क्षेत्र हमारा था, यहां से क्या हो गई, हमारी लैक निरोधक प्रोटीन हट गई। क्यों हट गई, क्योंकि वातावरण से इसको लैक्टोज अणु मिल गया। ठीक, जब तक ग्लूकोज था तब तक तो ये बराबर लगी थी, जैसे लैक्टोज मिला वैसे तुरंत हट जाएगी ये। ठीक, अब क्या होगा, अब आरएनए, अब देखिए अब तो रास्ता खाली हो गया। अब देखिए यहां तक का हमारा स्टेप खत्म हो गया, अब दूसरे चित्र में देखेंगे। देखिए अब यहां पर लैक ओपर जुड़ी थी, अब तो इसका रास्ता खुल गया, बैरियर हट गया, अब ये बहुत तेजी के साथ भागेगा। कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, देखते हैं क्या करता है। ठीक, तो अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लैक पी से जुड़कर लैक ओ से होता हुआ, मतलब लैक पी पर तो जुड़ा ही था, लैक ओ से होता हुआ, अब देखिए अब तो खाली हो गया रास्ता, लैक ओ से, एरो क्या दिखा रहा है कि लैक ओ से गुजर रहा है, तो लैक ओ से होता हुआ कहां पहुंच गया, संरचनात्मक जीन तक पहुंच जाता है। कहां पहुंच गया, संरचनात्मक जीन तक पहुंच जाता है और उनका लिप्यंतरण प्रेरित कर देता है। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहां पहुंचा संरचनात्मक जीन पर, तुरंत क्या शुरू कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या करेगा, क्या बनाएगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनाएगा। और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए हमारा बन गया, वही लिखा हुआ है, लिप्यंतरण अर्थात ट्रांसक्रिप्शन प्रेरित कर देता है जिससे लैक ओपेरान सक्रिय हो जाता है। तो देखिए लैक ओपेरान हमारा क्या हो गया, सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय लैक ओपेरान संरचनात्मक जीन के लिप्यंतरण ट्रांसक्रिप्शन द्वारा पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, किसका निर्माण, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनाता है। देखिए हमने बता दिया आपको, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहां पहुंच गया, संरचनात्मक जीन पर पहुंच गया, तुरंत शुरू क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा। और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो लेकिन ये आरएनए बनाएगा, लेकिन कैसा आरएनए, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनाएगा। अब पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बन गया, अब पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या करेगा, जैसा कि इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है, क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन के फलस्वरूप क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन किस रूप में है, एंजाइम के रूप में है, और कौन कौन सी प्रोटीन, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटिलेज प्रोटीन का संश्लेषण कर देता है। वही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिप्यंतरण द्वारा पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनाता है जिससे भाषांतरण अर्थात ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन से बीटा गैलेक्टोसिडेज,
बीटा ग्लूकोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण होने लगता है। इन एंजाइम द्वारा लैक्टोज के उपापचय से जीवाणु को ऊर्जा प्राप्त होती है, और एंजाइम क्या करेंगे, लैक्टोज का उपापचय कर देंगे और जीवाणु को क्या प्राप्त हो जाएगी, ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ये था आपका लैकोपेरान की क्रियाविधि। अगर आपको फिगर पता है तो आपको एक अक्षर भी याद करना नहीं है, ठीक। अगर आपने फिगर के अभ्यास कर लिया, दो चार बार बना लिया और सब कुछ पता कर लिया इसमें, तो समझिए आपको ये याद ही नहीं करना है, ये आपका फिर परमानेंट के लिए हमेशा के लिए याद हो गया। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।